हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर एनजी विदेके। हम ट्रेन में हो चुके हैं ऑन बोर्ड, ऑल्दो ये लास्ट मिनट ऑन बोर्डिंग थी, तभी व्लॉग की शुरुआत भी ऐसी ट्रेन से हो रही है। और हम आ जा रहे हैं ट्रैक पे। हमारे ट्रैक का नाम है एस्कार्पमेंट ट्रैक, जो कि 10 किलोमीटर्स लॉन्ग वन वे ट्रैक रहेगा, जो कि पाइकाकेरे की बे से स्टार्ट होगा और पैक्यूरा बे पे फिनिश होगा। और मैक्स एलिवेशन इस ट्रैक की रहेगी 212 मीटर। हम सोच रहे हैं कि हमें कौन सा ऐसा मौका मिले कि हम अपनी सीट चेंज कर लें, क्योंकि ट्रेन इधर को जा रही है और हम उधर देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम उस तरफ का बस हम वेट कर रहे हैं। फाइनली हमें एकदम सीधी सीट मिल गई है और हम ऐसे स्ट्रेट बैठ गए कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है। और इसको देखो पीछे, यार क्या बोलते हैं वो जो टिकट चेक करते हैं। और ये जो हमारी मैडम पीछे, ये गोरी टीटी मुझे घूर रही थी कि तुम क्यों कहाँ घूम रहे हो बार बार। रोहित ने भी अपनी सीट चेंज कर ली। ओह गॉड, इतने सुंदर व्यूज मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कभी, लाइक ट्रेन जर्नी से भी व्यूज इतने सुंदर और इतने अमेजिंग हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ ट्रैक का ही सोच रही थी, ट्रैक बहुत ब्यूटीफुल होगा, बट नो आई वॉज रॉन्ग। और शायद जो मैं अपनी रियल लाइफ से ये व्यूज़ इंजॉय कर पा रही हूँ, मैं और मेरा कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा। और मैंने इतना ज़्यादा पर्सनली व्यूज़ इंजॉय किया है कि पता ही नहीं लगा कि हम कब व्यूज़ इंजॉय करते करते अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँच चुके। So finally we are at Paikakere. हम अपने ट्रैक के लिए रेडी हो चुके हैं। आज हम कैवरी और ये मेरे साथ ट्रैक को पार्टनर है, दिस इज मिस कावेरी सरीन। टुडे आई एम मिस, आई एम सो हैप्पी। अदर डेज आई एम मिस। ये मतलब ये जुबल भैया के जाने के बाद, मतलब ही इज नॉट विद अस टुडे, तो ये खुशी देख रहे हैं आप लड़की के चेहरे की। ऐसी नहीं है, मतलब थोड़े यार शोल्डर्स मुझे थोड़े इजी लग रहे हैं। नाइस। हमें क्या लेना है? क्या पियेंगे ड्रिंक्स? आप क्या पियेंगे? ऊपर जाने के लिए कुछ लेके रख लेते हैं। रोए? हाँ यार, मेरे को ना न्यूट्री या तो कुछ उठा लेते हैं जो हमारे ट्रैक में यूजफुल जैसा हो। और आप ड्रिंक कौन सी लेंगे? लेट्स लुक फॉर अ ड्रिंक। ये तो पूरा स्टोर जैसा है। आइसक्रीम्स? नो नो नो, आज का आज डे में आइसक्रीम से शुरू नहीं करूँगी, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी करना है। पिक करना इतना मुश्किल हो गया, क्या करे क्या करना खाए। हाँ, एक चिप्स हम उठा सकते हैं, ओनली सॉल्टेड वंस। मैं ये बता रही हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर आप वेजिटेरियन है ना, तो आपके पास सिर्फ सॉल्टेड चिप्स के अलावा कुछ नहीं है खाने के लिए। नॉन वेज में वी हैव लॉट्स ऑफ, स्पेशली हम इंडियन सुपरमार्केट जाना पड़ता है अपने मैजिक मसाला और कुरकुरे लेने के लिए, नहीं तो वी आर डेड आउट ऑफ एक्सपीरियंस। चलो, इन लोगों को लगता है कि इनको ट्रैक चढ़ने के लिए चाहिए एनर्जी ड्रिंक, बट देखो गाइस, मैं तो बिना एनर्जी ड्रिंक के ये ट्रैक करूंगी और आई एम श्योर कि आई कैन डू दिस। मैंने ना सिर्फ बकचोदी है, मैं तुम्हें बताती हूँ, इसलिए ना हमारा ही पीना है, मांग मांग के। अरे नहीं, ना ये आदित्य की पूरी आदत है, मतलब पहले बोले ये मुझे नहीं खाना, तो दिन बनी है। मैं ही कंफ्यूज हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं ये लोग, जो मेरी तरह ही कंफ्यूज है कि क्या खा लेना है क्या नहीं लेना है। दैट्स ऑलराइट, दैट्स मी, बाय बाय। So are you Indian? Pardon? Are you Indian? Most Indian I'm shocked by this. Yeah, cause I'm Indian. Yeah, I saw his name here, Bhavish. Yeah. Yes. You from?
India. India. You're from India? Yes. Yeah. That's why I asked you. Candy, I thought you might be from America or something. किस एंगल से हम अमेरिकन लगते हैं और इस ट्रैक के लिए सच में मैं बता रही हूँ हमने बहुत मेहनत करी है. रोज हम जाते हैं 5 किलोमीटर वॉक पर आज हमारी असलियत आएगी. हाँ आज हमारा असली टेस्ट है. वाओ दिस इज सो प्रीटी. इतना रंग बिरंगा कर दिया है. क्या है अच्छा रोहित तेज करा दो तेज करा दो इतनी बेइज्जती कर रहे थे अभी. इस मुझे भी दे दो. बिल्कुल नहीं तुमने मना किया था ना. मुझे नहीं जरूरत किसकी. अरे एनर्जी ड्रिंक की. मुझे रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पसंद है भाई. मुझे भी दे दो. अच्छा है तो क्या हुआ. आई डू डिजर्व. अच्छा तुम्हारे मजाक वो कर रहे हैं तभी बोल रहे हो जान के. मैं भी अच्छा डिजर्व करती हूँ. अपन मुझे पसंद नहीं आया. अच्छा अच्छा बोल के सिर्फ मुझे ऐसे सिर्फ अब दिखा रहे हैं. बट आई विल बी मी. मैं तो मैं ही हूँ. मैं इनसे उड़ा ही लूंगी. हाँ नहीं नहीं उड़ाने मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं. मुश्किल लग रहा है मुझे. भाई खतरनाक लग रहा मुझे तो. ट्रैक नहीं ये रास्ता. ओ भाई लास्ट मिनट रिमाइंडर्स. स्टीप एक्सपोज्ड ऑन द एज. मेनी स्टेप्स नो हैंड रेल्स. हाई स्विंग. मैं स्टीप को पढ़ रही हूँ. चल पड़े अपने ट्रैक पे और हमारे साथ ये छोटू छोटू नाला. जैसे हमारे इंडिया में भी छोटू छोटू नाला आते हैं. और हमने अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक लोकेशन ढूंढ लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. और अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं पार कर पाए हैं आई गेस सो. और ये हमारे ब्रेकफास्ट निकलते हुए. पता नहीं मेरी लाइफ का अभी तक सबसे बड़ा ट्रैक तो वही था हाटू ट्रैक. जो लोग शिमला डिस्ट्रिक्ट से है वो और हिमाचल से जिनको पता है नारकंडा में हाटू पीक का ट्रैक है तो वो सबसे बड़ा ट्रैक था. अब मुझे आज ये देखना है कि मैं उसको बीट कर पाती हूँ कि नहीं. वो कितने किलोमीटर था? वो किलोमीटर्स मैंने देखा नहीं. मतलब इट वॉज लाइक मतलब वो गाँव से किया था मैंने शर्मिला से हाटू. अब मुझे किलोमीटर्स नहीं पता कितने. 25 या 30 या 35 किलोमीटर तो होगा वो दोनों वे का. मैं सही बताऊं मेरा फर्स्ट ट्रैक है ये और वो भी दैट टू 10 किलोमीटर्स. वाओ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मतलब मेरा ब्रदर है वो ट्रैक्स पे जाता रहता है. मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी. तो फाइनली ये हिम्मत आई है दिल से आज. वाओ बात तो ये कि भाई आज मौसम इतना अच्छा है अदरवाइज इतनी धूप होती इतनी तेज धूप तो मर ही जाते. अभी शायद हमने 1 किलोमीटर ही किया है बट मुझे रास्ते बहुत पसंद आ रहे हैं. कितने किलोमीटर किए अभी हमने? दो किलोमीटर कर चुके हैं. वाओ आई लाइक इट.
हमने 2 किलोमीटर कर दिया तो धन भी अगर अब रहते हैं हमारे 8 किलोमीटर लेट्स सी किसकी कैसी कैसी हालत होती है। बट हाँ आज का बेस्ट पार्ट तो यही है कि इट्स नॉट दैट सनी डे। मुझे ये प्लेस इतना क्यूट लगा बैठने के लिए, एक छोटू सा बेंच था तो वो मैंने सोचा मैं बैठ लेती हूँ। पता नहीं मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी क्यूट लगती है, आई डोंट नो व्हाई। वॉक टू द ओशन, ये नीचे रेलवे उसी के साथ नीचे रोड उसी के साथ ये ऊपर ट्रैक जिसमें सब चल रहे हैं भाई। वैसे कुछ जन्नत से कम नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा आगे भी जाना चाहूँगी। व्हाट अ व्यू, थोड़ा सा क्लमजी सा है। शक्ल की हालत देखिए, अब लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ये तो नहीं, अभी वीडियो के सो रही हूं क्योंकि वीडियो के चक्कर में लोग मुस्कुरा दिए। नहीं भाई मैंने सब देखा हूं ना पहले कभी। हाँ। ये ट्रैक सिंगल वे ही है, बस एक ही बंदा जा सकता है। बट व्यूज बहुत अमेजिंग है, कुछ भी बोलो। थोड़े से थक गए, सोचो थोड़े से ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के साथ पीछे फोटो शूट भी हो रहा है ताकि टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। नॉर्मल ब्रेक में हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े हमको सनबर्न से बचाने के लिए। ये मेरे गांव के कुछ जैसे रास्ते पचड़ पचड़ बिल्कुल ही छोटे छोटे जैसे हमारे गांव में होते हैं, तो यहाँ के ट्रैक में भी फिलहाल कुछ ऐसे ही रास्ते हैं। और ये आशिकी करते हुए अपने बीबी को मिस करते हुए वो सामने जो सिटी सी दिख रही है हमने वहां से ये ट्रैक शुरू किया है, वहां से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और बस हम ये आई गेस हाफ वे वी आर डन, आधा रह गया और ठीक है जोश इज ओके। और द व्यू इज टू वे ब्यूटिफुल, वाओ व्हाट अ व्यू। ट्रैक तो खूबसूरत था ही और इसके नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसी तरह से हम अपना हाफ वे डन कर चुके हैं, सो ये स्मॉल लुकआउट पॉइंट है यहाँ पे, तो वी जस्ट हैव सम रेस्ट हियर और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और थोड़ा सा हम अपना चेक भी कर रहे थे हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम अपने ट्रैक को ख़त्म करने की ओर चल दिए।
वी आर डाउन, यहाँ पर आ गए हम कुकेरुआ बे स्टेशन पर जहाँ पे ट्रैक खत्म होता है। वो गॉड के हालत हो रही है, माय गॉड, मैं तो सोचती जो लोग अब यहाँ से इतनी धूप में जा रहे होंगे क्या हाल हो रहा होगा। I hope you liked it. Don't forget to like, share and subscribe.